हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट हो जाता है उसके पवन सीरीज के अति लघु त्रिप्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जो कि पार्ट 5 है। इससे पहले कि सीरीज को आपको देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहां पर आप लोग देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण के अर्थ को समझाइए। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, जल, वायु दूषित हो जाए तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, पर्यावरण प्रदूषण कहलाती है। क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण क्या है, इसके स्रोत क्या हैं? तो वायु में गैसों की एक निश्चित मात्रा होती है। यदि किन्हीं कारणों से किसी गैस की मात्रा कम या अधिक हो जाती है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इसके स्रोत है आंधी, तूफान, प्राकृतिक स्रोत तथा मानवीय स्रोत, ये हो जाते हैं। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण के प्रभाव बताएं। तो सबसे पहले जल प्रदूषण को समझ लेते हैं, उसके बाद प्रभाव को समझते हैं। तो जल प्रदूषण यानी जो जल में गंदगी होती है, यानी किसके द्वारा की जाती है, तो मानव द्वारा ही की जाती है। जैसे उसमें जानवरों को नहलाना, कपड़े धुलना, यानी जैसे तालाब में, नदियों में, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो सब पानी में डालना, यानी तालाब, नदियों में डालना, तो इससे क्या होता है, जल प्रदूषण हो जाता है। इसके प्रभाव क्या हैं तो समझ लेते हैं। अवांछित अपशिष्ट पदार्थों के जल में मिलने से अनेक भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन आ जाते हैं। जल प्रदूषण से जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु तो प्रभावित होते ही हैं, मनुष्य भी अत्यधिक प्रभावित होते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हो जाते हैं उद्योग धंधे, मशीनें, परिवहन के साधन, मनोरंजन के साधन जैसे सिनेमा, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अगर बात कर ले तो 30 अक्टूबर 1945 भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य हो जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रियों के बीच मैत्री संबंध को बढ़ावा देना, थर्ड नंबर पर हो जाता है आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करना, और आपका फोर्थ नंबर पर हो जाता है राष्ट्रों में आपसी सहयोग और विकास के लिए विशिष्ट संस्थाओं का गठन। क्वेश्चन हो जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग बताइए। ये आपका क्वेश्चन 2019 में आया हुआ, इसलिए आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये सब हो जाते हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस की सार्वभौमिक घोषणा UDHR की स्मृति में हर साल 10 दिसंबर को मनाई जाती है। अब बात कर लेते हैं भारत के संयुक्त राष्ट्र महासभा की महिला अध्यक्ष कौन रह चुकी हैं? तो श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित जी। तो विजयलक्ष्मी पंडित एक भारतीय राजनयिक और राजनीतिक थी। ये पूर्व स्वतंत्र भारत में कैबिनेट पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं, नाम उल्लेख कीजिए। तो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं, जो इस प्रकार है, फर्स्ट चीन हो जाता है, सेकंड फ्रांस, थर्ड रूस और फोर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका और फिफ्थ ग्रेटेन यानी ग्रेट ब्रिटेन स्थायी सदस्य हैं। शेष 10 अस्थायी सदस्य केवल 2 वर्षों के लिए महासभा से चुने जाते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है?
जो सदस्यों की संख्या हो जाती है वो 193 यानी कि 193 हो जाती है। और बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कैसा संगठन है? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो न्यायाधीश टोटल जो होते हैं वो 15 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? तो 15 हो जाते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यूनेस्को ने भारत की क्या सहायता की? तो यूनेस्को शिक्षा के प्रसार में भारत की सहायता कर रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 2 के प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो फर्स्ट हो जाता है किसी राष्ट्र में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, किसी घोषणा पत्र में लिखित उत्तरदायित्वों का पालन करना, पारस्परिक झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना, किसी राज्य की स्वतंत्रता और अखंडता के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग ना करना। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायालय हैग यानी नीदरलैंड में स्थित है। और अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1945 में हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष, खाद्य और कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ महिला विकास कोष हो जाती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना वर्ष 1872 से अब तक की कौन सी जनगणना है? तो सन 1872 से अब तक 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है। कौन सी है? तो 15वीं जनगणना हो जाती है। ये हर 10 साल की होती है। कितने साल की होती है? तो ये हर 10 साल की होती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतर्गत साक्षरता दर कितनी है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अंतर्गत साक्षरता 74.02% हो जाता है। साक्षरता दर 2011 की जनगणना के परिणाम बताते हैं कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई। देश में साक्षरता दर पुरुषों के लिए 74.04% और 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46% है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 7वां स्थान हो जाता है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है इसकी बात की जाए तो चीन का हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य की बात यहाँ पे हो रही है, तो उत्तर प्रदेश राज्य हो जाता है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? तो लखनऊ है, जो नवाबों का शहर कहलाती है, ठीक है ना। यानी जो लखनऊ है इसको क्या कहते हैं? इसको नवाबों का शहर कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और भारत की राजधानी की बात की जाए तो दिल्ली, आप सभी लोग परिचित हैं, ऐसा तो है नहीं। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। यानी कौन सा स्थान है? तो सेकेंड, जिसको कह सकते हैं आप सेकेंड यानी द्वितीय स्थान है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल हो जाता है। कौन साक्षरता वाला राज्य हो जाता है? तो केरल हो जाता है। नेशनल स्टेटिस्टिकल NSO की तरफ से जारी साक्षरता पर एक रिपोर्ट में 96.2% साक्षरता के साथ केरल एक बार फिर से देश सबसे साक्षर राज्य बन गया। यानी वहाँ की साक्षरता दर कितनी है? तो 96.22, यानी कि ज़्यादातर सबसे ज़्यादा वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। कितने हैं? अगर 100 में बात की जाए तो 96.2 हो जाती है, जो कि बहुत बड़ा प्रतिशत माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, भारत में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई? तो भारत
पर चीन आक्रमण के पश्चात वर्ष 1962 में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना हुई। ये चीज तो यहाँ पे हो जाते हैं, लेकिन इसको हम लोग समझ लेते हैं कि कब हुई। तो यहाँ पे हो जाता है कि नागरिक सुरक्षा संगठन भारत में हर वर्ष 6 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं, यहाँ पे हो जाता है जैसे आपका ये सन जो दिए हुए हैं 1962, तो नागरिक सुरक्षा अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय पोर्टल, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो आपका जो ये सन हो जाता है तो ये 1968 हो जाता है, और यहाँ पे आपका 1962 दिए हैं, तो राइट आंसर आपका 1968 है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। नागरिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, तो नागरिक सुरक्षा मूल रूप से, यानी मूल रूप में नागरिकों की नागरिकों द्वारा रक्षा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई जान माल की हानि को देखते हुए प्रत्येक देश ने अपने यहाँ नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की। इस संगठन में देश के नागरिक स्वेच्छा से इसके सदस्य होते हैं, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी प्रकार के बचाव कार्य एवं सेवाएं प्रदान करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया। तो मेक इन इंडिया की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2014 को इस प्रोग्राम को, यानी इस प्रोग्राम का शुभारंभ किया। और इसका जो शुभारंभ किया तो किस लिए किया, तो निर्माण को बढ़ावा देने और संवर्धन के लिए इसको प्रारंभ किया। क्वेश्चन हो जाता है, डिजिटलाइजेशन की योजना का क्या उद्देश्य है। तो इस योजना का उद्देश्य देश को डिजिटल के साथ शक्ति संपन्न और सूचना अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। और सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस पर 11 अक्टूबर 2014 को इस योजना का प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्वेश्चन हो जाता है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है। इस योजना के अंतर्गत 330 रुपए प्रतिवर्ष जमा करने वाले बीमित व्यक्ति की मृत्यु की दशा में 2 लाख की राशि प्राप्त होगी। यानी जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित एक जीवन बीमा योजना है, और इस योजना का, यानी जो इस योजना की शुरुआत कोलकाता में कब हुई, तो 9 मई 2015 को हुई। 2015 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और कहाँ किया, तो कोलकाता में किया, और कब किया, तो 9 मई 2015 को किया। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये तो आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन है, सीमांत गांधी कौन थे, इनका संक्षिप्त परिचय लिखिए। तो सीमांत गांधी पेशावर के नेता थे, इनका मूल नाम अब्दुल गफ्फार खां था। ये पेशावर के इलाके के अंग्रेजों के खिलाफ कई वर्ष से संघर्षरत थे। इनके द्वारा जनता में किए गए कार्यों के कारण अहिंसक क्रांतिकारियों के वीर जत्थे अर्थात खिदमतगारों के दल तैयार हुए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भूमिका काफी सक्रिय थी। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, गैर सरकारी संगठन का अर्थ बताइए। ऐसा संगठन जो बिना लाभ प्राप्ति के धार्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, लोकोपकारी, तकनीकी या आर्थिक उद्देश्यों से गठित हो, उसे क्या कहते हैं, तो गैर सरकारी संगठन कहते हैं। गैर सरकारी संगठनों की समिति कब बनाई गई, तो गैर सरकारी संगठनों की समिति का गठन 21 जून 1946 को किया गया। कब किया गया, तो 21 जून 1946 को किया गया। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, देखिए पहले इसको समझ लेते हैं, गैर सरकारी संगठन, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गैर सरकारी संगठनों की शुरुआत प्राचीन काल से हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण एनजीओएस में से एक रोटरी 2005 में स्थापित किया गया था, और अनुमान लगाया गया कि 1914 तक 1083 गैर सरकारी, कितने, तो 1083 गैर सरकारी संगठन स्थापित हो चुके हैं। भारत में 30 लाख से अधिक गैर सरकारी संगठन है, और भारत का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन
भारतीय जनता पार्टी क्या है, कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी, जिसके 10 करोड़ से भी अधिक सदस्य हैं। कितने हैं? तो 10 करोड़ से भी अधिक सदस्य हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व शांति को बनाए रखने के लिए कौन सा गैर सरकारी संगठन कार्यरत है? तो गैर सरकारी संगठन यूनेस्को विश्व शांति को बनाए रखने के लिए कार्यरत है। विविधता से आपका क्या अभिप्राय है? तो विविधता से आशय अलगपन से है, जो कि भाषा, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर हो सकती है। विविधता किसी भी प्रकार की हो सकती है, खान पान, रीति रिवाज, है ना, तो ये सब विविधताएं तो हैं। एकता का आशय स्पष्ट कीजिए। एकता का आशय एकजुटता से होता है, जिसका आधार विभिन्न धर्म, समुदाय, जाति, भाषा के व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधना है। अपने यहाँ क्या है? अपने यहाँ अनेकता में एकता है। यानी लोग देखिए कई धर्मों के हैं, अलग अलग धर्मों के हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है ना, लेकिन सभी लोग कैसे हैं? सभी लोग अनेकता में एकता बनाए रखे हुए हैं, सभी भाईचारा निभाते हैं, तो इस तरह से हो जाता है। धार्मिक एकता से क्या आशय है? तो धार्मिक एकता, भारत सदा से ही सर्वधर्म स्वभाव का समर्थक रहा। भारत में अनेक धर्मों यथा हिंदू, जैन, मुस्लिम, ईसाई तथा पारसी आदि के अनुयायी रहे, परंतु सभी धर्मों में आंतरिक समन्वय की भावना पाई जाती है। राजनीतिक एकता से क्या तात्पर्य है? राजनीतिक एकता का अर्थ सभी लोकतांत्रिक संगठनों को एक मत एवं एकजुट करना है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हो जाता है, राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताएं। तो सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाता है, तो मोर हो जाता है। राष्ट्रीय प्रतीक की श्रेणी में क्या क्या आता है? तो राष्ट्रीय प्रतीक की श्रेणी में निम्नलिखित को रखा गया है, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय सेना, राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय पक्षी, मुहर एवं स्टाम्प आदि हो जाते हैं। आतंकवाद के कोई दो उद्देश्य बताएं। तो आतंकवाद के निम्न दो उद्देश्य हो सकते हैं, अपने उद्देश्य व आदर्शों का सघन प्रचार करना और जनता का समर्थन प्राप्त करना। अपने संगठन की शक्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीकों से युवा वर्ग को अपने पक्ष में लेना। सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता से अभिप्राय अपने समुदाय के प्रति आस्था रखना व उसके कल्याण के लिए सोचना तथा दूसरे संप्रदाय के प्रति घृणा की भावना रखकर अपने संप्रदाय का कल्याण ही सांप्रदायिकता है। अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा किस प्रकार दिया? अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाकर सांप्रदायिकता के बीज बोए। कैसे बीज बोए? कि फूट डालो और राज करो, यानी शासन करो। अंग्रेजों ने क्या किया? हमारे देश में आए, यहाँ का देखा कि भारत क्या है, सोने की चिड़िया है, तो वो यहाँ पे शासन करना चाहते थे। पहले जब आए तब क्या किया? पहले राजा लोगों को जब कोई चीज़ करवानी होती थी उनको गिफ्ट देते थे, उनसे परमिशन मांगते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अपना ही यहाँ पे सिक्का जमा लिया और उसके बाद यहाँ के लोगों पर ही अत्याचार करने लगे। तो इन लोगों ने क्या किया, अब किसी के यहाँ जाकर और अपना राजपाट चलाना तो बड़ा मुश्किल का काम होता है, लेकिन जब फूट डाल दी जाती है, जैसे कि किसी के घर में 4 सदस्य रह रहे हैं, 5 सदस्य रह रहे हैं, आप इस तरह से किसी घर में आप अपनी एंट्री इतनी आसानी में नहीं कर सकते हैं और वहाँ पे अपना आप अपना नहीं चला सकते सिक्का। लेकिन क्या है, जब आप फूट डाल देंगे, उनकी बुराई उनसे करेंगे, उनकी बुराई उनसे करेंगे, ऐसे तो होता है। तो यही तो उन्होंने किया, धर्म के आधार पर, कार्य के आधार पर, रीति रिवाज के आधार पर, संस्कृति के आधार पर उन लोगों ने क्या किया, और सबसे ज़्यादा धार्मिक कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, इस तरह से इन लोगों ने क्या किया, फूट डाली, और फूट डालने के बाद उन्होंने शासन किया। और बाकी तो आप रिजल्ट देख, आपने रिजल्ट नहीं देखा, लेकिन हिस्ट्री तो आप लोग पढ़ते हो, हिस्ट्री ही पढ़ रहे हो, तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि किस तरह से यहाँ आके यहाँ शासन भी किया और प्लस अपना सिक्का भी जमाया और यहाँ के लोगों को क्या कहा, यहाँ के जो रीति रिवाज हैं वो बेकार है, यहाँ के संस्कार हैं वो बेकार है, अगर बेकार थे तो आप लोग यहाँ क्यों आए और यहाँ पे क्यों बसे। सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जब इंसान में क्या होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि माइंड वर्क करना छोड़ देता है, कि वो आए और यहाँ पे पढ़ाया कि आपको आपको आपकी बुराई उनसे की, उनकी बुराई उनसे की, तो क्या हुआ,
तो उन्होंने शासन किया, यही इनकी फूट डालो और शासन करो की नीति थी। तो इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद हो जाता है सांप्रदायिक भावना को कैसे दूर किया जा सकता है, तो इसके तरीके हैं शिक्षा के व्यापक प्रसार द्वारा लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाकर सभी सदस्यों के सामूहिक प्रसार से राष्ट्रीय परमों को आयोजित किया जाए। जातिवाद क्या है? तो एक ही जाति के लोगों में पाई जाने वाली वह भावना जिसमें लोग अपनी जाति के हितों के समक्ष अन्य जातियों को हानि पहुंचाने के लिए प्रेरित होते हैं, यही जातिवाद हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके इतने क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, अभी आपके कुछ क्वेश्चंस और बचते हैं, उनको भी देख लेते हैं। जातिवाद की कोई दो हानियां बताइए। तो सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, औद्योगिक कुशलता में कमी हो जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में गुट निरपेक्षता का अर्थ है सैनिक गुटों से अपने आप को अलग रखने का किसी देश द्वारा प्रयत्न करना। पंचशील के सिद्धांतों का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो पंचशील के सिद्धांतों का निर्माण वर्ष 1954 ईस्वी में किया गया। सैनिकों के सम्मान में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। निशस्त्रीकरण क्या है? विश्व शांति बनाए रखने के लिए शस्त्रों से कम प्रयोग से धन की बचत का उपयोगी जन कल्याण के कार्यों में प्रयोग होना ही निशस्त्रीकरण कहलाता है। अर्थात विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों के प्रचुर मात्रा में संग्रह न करना निशस्त्रीकरण हो जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष निम्न चुनौतियां हैं, जनसंख्या हो जाती, बेरोजगारी, गरीबी, साक्षरता दर, ये हो जाती है। क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है यहाँ पे। देखिए साक्षरता दर जो है वो तो बहुत ही कम है, लोगों की सोच ऐसी अभी डेवलप नहीं हो पाई है कि सभी को पढ़ाना चाहिए। किसी किसी के घर में तो यही होता है कि लड़कों को पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, है ना। कुछ लोग की अगर सोच अच्छी भी है तो उनके यहाँ आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है, इसलिए नहीं पढ़ा पाते हैं। बहरहाल रीज़न कुछ भी हो, लेकिन यहाँ की क्या है जो शिक्षा की जो दर है वो बहुत कम है। किसी क्योंकि सोच पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है, आर्थिक स्थिति पे भी ये चीज़ डिपेंड करती है। उसके बाद जनसंख्या, अब जनसंख्या तो बड़ी समस्या है। अब किसी के यहाँ कमाने वाला एक होता है और खाने वाले 4 होते हैं, और जब जनसंख्या है तो इस तरह से चीज़ें क्या है वो तो सीमित हैं, है ना, और आवश्यकताएँ क्या है असीमित हैं। तो इस तरह से जो जनसंख्या है वो भी बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। बेरोजगारी, जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है उस दर से रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं तो लोग बेरोजगार हैं, तो इसमें भी अर्थव्यवस्था को ये चुनौती ही तो दे रहे हैं। और गरीबी भी बहुत बड़ी, भाई यही चीज़ तो है कि मैन ये हो जाता है जब जनसंख्या वृद्धि है तो उसमें बेरोजगारी भी है, और जब बेरोजगार हैं लोग तो गरीब भी हैं, है ना। और जब गरीब हैं तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। अच्छी शिक्षा तो छोड़ो, मतलब वो कम शिक्षा भी देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद गरीबी रेखा से आपका क्या अभिप्राय है? किसी परिवार के निर्वाह के लिए प्रति माह कितनी न्यूनतम आय चाहिए वह धन गरीबी की रेखा कहलाता है। इससे कम आय प्राप्त करने वाले परिवार गरीबी रेखा के नीचे तथा इससे अधिक आय वाले परिवार गरीबी रेखा के ऊपर वाले परिवार होते हैं। मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील का आरंभ किस वर्ष किया गया? तो मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील का आरंभ 15 अगस्त 1995 से हुआ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के प्रमुख घटक क्या हैं? तो इस मिशन के 3 प्रमुख संगठक हैं NFSM चावल, NFSM गेहूं और NFSM दलहन। भारतीय खाद्य नियम की स्थापना किस वर्ष की गई तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1964 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली हो जाता है। अब देख लेते हैं आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी माध्यों का वर्णन कीजिए। तो सांख्यिकी में 3 माध्य केंद्रीय माप होते हैं, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे।
और थोड़े से इस पे भी, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो आपकी समांतर, माध्य, बहुलक, ये सब हो जाएंगे, तो उनको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। थैंक यू।